पटना में बस स्टैंड के कर्मचारियों ने मीठापुर से बस स्टैंड हटाकर बैरिया करने पर नाराजगी व्यक्त की है। बस मालिकों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन किया। बस मालिकों का कहना है वे अर्धनिर्मित बस पड़ाव है, हमें अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती भेजा जा रहा है। हमारी मांग है कि पहले वहाँ समुचित व्यवस्था बहाल करें, वहाँ अभी भी पुरानी सड़कों का इस्तेमाल हो रहा है, एक साथ कैसे हर रूट की गाड़ियों का परिचालन होगा। सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पूरे बिहार, बंगाल और झारखंड जाने वाली सभी लंबी दूरी और छोटी दूरी की बसें बंद हैं। पाटलिपुत्रा अर्धनिर्मित बस पड़ाव है, वहाँ पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बात जबरन हम लोगों को भेजा जा रहा है। हम लोगों का यही कहना है कि आप वहाँ समुचित व्यवस्था बहाल करें। वहाँ बस स्टैंड में जो गाड़ियों लगने की पर्याप्त व्यवस्था है, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था है, ये सब जिस दंडाधिकारी ने यहाँ न्यूसेंस का हवाला दे करके हम लोगों को यहाँ से बदर कर रहे हैं, तो यही स्थिति वहाँ भी उत्पन्न होने वाली है। इसलिए कि सड़कें अभी भी वही पुरानी सड़कें का इस्तेमाल हो रहा है, अभी जो नई सड़कें हैं वो अर्धनिर्मित है, वो तैयार नहीं हुई है जिससे परिचालन हो सके। एक मुख्य द्वार है वहाँ, अब यहाँ हर एक मिनट पर अनेकों रूट की, अनेकों मार्गों की गाड़ियाँ खुलती हैं। अब आप बताएं, यहाँ पर तीन प्रमुख द्वार है, उसके बाद भी भीड़ भाड़ बना रहता है, वहाँ एक द्वार से कैसे संभव है, कैसे एक साथ हर रूट की गाड़ियां का परिचालन किया जा सकता है। आज हम लोग यहां पर सांकेतिक हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार हम लोग के सहयोग में आए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरने पर बैठेंगे। जीरकपुर